शहर में लगातार दो तीन दिन कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़ने के कारण पुलिस और प्रशासन की चिंता की लकीरें भी बढ़ गई हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए महाकाल सवारी की ड्यूटी देने के बाद तत्काल मेला कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में SDM, तहसीलदार, एडिशनल SP, DSP, CSP सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कलेक्टर और SP ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, हर हाल में कोरोना को कंट्रोल किया जाए, इसके लिए मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाना अनिवार्य रहेगा। यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका चालान बनाया जाए और सख्त कार्यवाही की जाए। साथ ही सर्वे टीम को और अधिक सजग रहने के भी निर्देश दिए ताकि सर्वे में ही पॉजिटिव मरीजों को ट्रेस किया जा सके। बैठक में प्रशासन की ओर से ADM विदिशा मुखर्जी, SDM जगदीश मेहरा, राकेश मोहन त्रिपाठी सहित इंसिडेंट कमांडर, सभी सर्वे के डॉक्टर, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद रही। पिछले दो दिन से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, आसपास के शहरों में भी बढ़ती चली जा रही है, अपने उज्जैन में रोकने के लिए क्या निर्देश दिए गए? देखिए, पिछले विगत 3-4 दिनों से कोरोना जो पॉजिटिव मरीज हैं उनकी संख्या अचानक उज्जैन में बढ़ी है और आसपास के शहर में, प्रदेश में भी ये बढ़ोतरी मिली है। लेकिन हमारा उज्जैन जो है वो जिस तरीके से पूरी तरीके से कंट्रोल में आ गया था वैसी स्थिति आगे रहे, इसके लिए आज सभी जितने भी SDM हैं, तहसीलदार हैं, CSPs हैं, सभी की SP साहब के साथ में मीटिंग यहाँ पर बुलाई गई है और सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो हमारी आवश्यक चीज़ें हैं, जो आवश्यक कदम हैं इसको कंट्रोल करने के लिए तत्काल उठाए जाएं। खासतौर पर कल से मास्क ना पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने पर हम लोग बहुत एग्रेसिव ढंग से कार्रवाई करने वाले हैं, बहुत कड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। हम लोग हजारों की संख्या में अगर हमको चालान बनाने पड़े या अलग अन्य कार्रवाइयाँ करनी पड़ी तो हम लोग उससे पीछे नहीं हटेंगे। सर्वे के काम को हम लोग थोड़ा अपना और मजबूत बनाएंगे जिससे कि जो भी व्यक्ति हैं पॉजिटिव वो पहले हमारी सर्वे की टीम से ही ट्रेस हो जाए जिससे कि उनका जो एक दो दिन डिले हो जाता है वो डिले ना हो। तो कुल मिला के वापस जो कोरोना की एक तरीके से दस्तक फिर से हो रही है जिसके संकेत मिल रहे हैं, हम लोग आगामी 3-4 दिनों में मेहनत करके इसको वापस कंट्रोल करने की स्थिति में आ जाए, इसलिए इस मीटिंग का आयोजन। सर, देखने में आ रहा है कि दिल्ली और इंदौर से अधिकतर दर्शनार्थी आ रहे हैं, क्या संक्रमण की संख्या बढ़ नहीं सकती उनसे? देखिए, हमने चूंकि केवल 2 दिन का ही प्रावधान रखा है फॉरवर्ड बुकिंग का, जो अग्रिम बुकिंग होती है, तो बहुत ज़्यादा दूर से तो लोगों के आने की संभावना नहीं है। लेकिन चूंकि राज्य की सीमाओं को हम लोग एक तरीके से सील नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे आवाजाही अपने को रखनी पड़ेगी। मंदिर में हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम लोग ढंग से करा लेते हैं, वहाँ की उतनी चिंता नहीं है। मुख्य चिंता जो खासतौर पर व्यापारिक जगहों की है, लोग मॉर्निंग वॉक जहाँ पे करने जाते हैं, जहाँ पे भीड़भाड़ इकट्ठी होती है, वहाँ की चिंता ज़्यादा है, जिस पर हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता।